जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे थे और बार बार हमारे पास सवाल कर रहे थे, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब वीडियोज के नीचे कमेंट बॉक्स में और ईमेल पे, कि सर पटवारी की परीक्षा कब होगी, पटवारी की परीक्षा जो जनवरी के अंदर हो जानी चाहिए थी वो इतने लंबे समय से क्यों नहीं हुई है। और बहुत सारे वीडियोज़ हमने पटवारी के लिए आपके लिए बनाए भी थे, उसमें भी हमने बिल्कुल फैक्ट के तौर पर आपको बात की थी। जब भी आपकी जनवरी के अंदर डेट अनाउंस की गई थी और ऑफिशियल साइट पर आपकी डेट आ गई थी, तब भी हमने आपको बताया था कि आपकी परीक्षा जनवरी के अंदर नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस समय हमें बार बार ये बोला भी था कि सर आप विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रहे हो, परीक्षा तो जनवरी के अंदर ही होगी। हमने आपको पूरा क्लियर फैक्ट के साथ सारी चीज़ें बताई थी और वैसा ही हुआ, आपका जनवरी के अंदर पेपर नहीं हुआ। अब जो है फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट लगातार हमसे बोल रहे थे कि सर पटवारी का पेपर कब होगा, कब होगा, इसको लेकर आपके पास क्या न्यूज़ है तो हमें बताओ। तो इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन फाइनली आपकी पटवार परीक्षा को लेकर जो है फाइनली आपकी एग्जाम डेट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। क्या अपडेट है और किस प्रकार से आपके पेपर होने वाले, कब आपके पेपर होंगे, किस प्रकार से आपके पेपर होंगे, तो सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी ऑफिशियल साइट है, इस चीज़ को लेकर अभी तक ऑफिशियल साइट पर हालांकि कोई भी नोटिस नहीं है परीक्षा डेट को लेकर, लेकिन बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिस्क्रिप्शन है और बहुत ही चर्चित वेबसाइट है, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तो इंडियन एक्सप्रेस हो, NDTV हो, जागरण जोश हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी न्यूज़ देती है वो 95% बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल रहती है। और जितने भी आपके प्रीवियस, चाहे वो आपके पटवारी के जब से फॉर्म भरे गए थे तब से लेकर जितने भी आपकी एग्जाम डेट्स के बारे में जितनी भी न्यूज़ इन वेबसाइट्स ने दी है वो बिल्कुल सही रही है। तो ऐसे में जो है इन्हीं वेबसाइट्स पर जो है आर्टिकल्स आ रहे हैं, उन्हीं आर्टिकल्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका पटवारी का पेपर जो है वो लगभग आपके जून के अंदर होगा, और वो भी तब जब पूरी की पूरी स्थिति जो कोरोना काल की बनी हुई है देश के अंदर, वो स्थिति अगर बिल्कुल सामान्य रहती है, कोविड की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो ऐसे में ही आपका पेपर जून के अंदर होगा, अदरवाइज आपका पेपर पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जो स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि पटवारी के पेपर क्या अभी मई के अंदर होगा, तो मई के अंदर होने के चांसेस वो काफ़ी कम है क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो लगातार भयानक होती जा रही है। तो ऐसे में मई के अंदर पेपर नहीं होगा और अप्रैल तो आपका जो है समाप्त हो ही चुका है, अप्रैल के अंदर भी आपके पेपर नहीं होंगे। मई अप्रैल के अंदर पेपर ना होगा, आपका लगभग जून के अंदर पेपर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, जून में जो है आपकी पटवारी की परीक्षा हो सकती है। और इसको लेकर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपकी जून की रीट की जो परीक्षा डेट दी हुई है, तो रीट की अगर पेपर होते हैं तो वहां पे कोरोना की कोई यहां पे सिचुएशन नहीं रहती, क्योंकि रीट के अगर पेपर हो सकते हैं तो आपका पटवारी का भी पेपर हो सकता है। तो रीट के बाद में आपका जो पेपर है लगभग पटवारी का पेपर होगा, और ऐसे में जो है 95% चांसेस है कि आपका जून के फोर्थ वीक के अंदर आपका जो है कंप्लीट जो है पटवारी के पेपर हो जाए।